रात का ढलैया शुरू हो चुका है। आई जाए तो छत लग गई। सबनम जल्दी आओ, तुम्हारा छत लग गया, तुम्हारे घर का छत लग गया। सबनम जल्दी आओ। सब और इसी में उसके बच्चे पति सब रहेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके रजनी कौशल में। अभी सुबह का समय है, लगभग 9 बज रहा है और आप सभी को बता दूं कि पता नहीं काहे पगलाए हैं अपने घर लिया जाने के लिए। काहे पगलाए हैं? हमारे घर नए नए मेहमान आए हैं। इनके घर नए नए मेहमान आए हैं जो कि पुराने आदमी से कनेक्ट है। तो आज है 24 तारीख। 24 तारीख के दिनचर्या में ऐसे ही बने रहेगा। फिलहाल आप सब देख रहे हैं सिनेमेटिक मोड में एक हरा सा नलका है, लाल सी साल है और गोरी सी किसी की बीवी है और हरी हरी सब्जी ली है। तो सुनने में आया कि आप जा रहे हैं घर। हाँ। ऐसा क्यों, सालू जी के छोड़ के चली जाएंगी? हाँ जाएंगी, घर पे शादी पड़ी। मतलब सालू जी से प्यार नहीं करती हैं? नहीं, प्यार करते हैं सबसे। सबसे किसे किसे? जितना लोग हैं सबसे। किसे? हमसे भी? हाँ, हाँ। अरे मैया। अच्छा वो, अच्छा वो वाला प्यार ना है। क्वेश्चन, वो वाला कैसे करे लो? कहाँ मतलब? अरे दोस्तों सॉरी सॉरी, अभी इनके उनका क्या नाम है, प्रिया जी के पति जी आ चुके हैं सुशील जी और अभी तत्काल दिल्ली से आए कि नोएडा से? दिल्ली, दिल्ली नोएडा से बेक के बा वहाँ से आ टपके हैं और उनके मीते भी साथ में आए हैं। तो सीधे जक्सन पुत्र है। हाँ, जक्सन पुत्र वहाँ की। घर जाके आए हैं? नहीं, घर जाके नहीं। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो मेहरी नैहरे बा तो नैहरे सीधे कमा के आए तो वही उतर अब। ठीक बा, ये बोला। अभी पूछते हैं तो कब घर जाना है? कल। कल घर जाना है? नहीं, मैं कल जाऊंगा प्रिया को आज। देखते हैं, पूछते हैं क्या कहती है। प्रिया जी कब जाना है घर? कल जाएंगे। का उल्लू बनाओ तुम? आज जा, फोनवा पबतिया वाला से, फोनवा पबतिया वाला से कुछ खास चाहे क्या? लेकिन अरे ना जान पाओ था का आज कहे गई है? कहे प्यार न करे दोनों जने करवट फेरी रतिया में बरदास नहीं हो। अरे मैया दम जैसे बुझा तो छेना पकौड़ी इनके बाहर आयल बा, बुझा तो जैसे नया यार आयल बा। देखो देखो दांत एकदम बिल्कुल भीतर नहीं रह रहा है, बाहर निकला हुआ है। बढ़िया से उनके सेवा दे दिया, सब सर सामान जितना रही सब दे दिया। व्यवस्था व्यवस्था कही के जितना व्यवस्था ऐसा न हो के जा खरीदे पड़ा, सब व्यवस्था यही से इंतजाम करके दे दिया। ठीक बा, दे दिया गिफ्ट। गिफ्ट उफ्ट, गिफ्ट उफ्ट जितना है दे दिया और ताकि हमारे का बहन जिंदगी सुखत या। तो गिफ्ट की क्या बात है, गिफ्ट लेके आए होंगे राज जी? तो गिफ्ट उफ्ट लेके आए हैं? नहीं, गिफ्ट ऐसा कुछ नहीं है। अरे मतलब कल के लिए गिफ्ट रखा? हाँ मतलब रखा हुआ बहुत, कन्हैया गरम भरा पड़ा है। अब पहले भी भरा पड़ा रहा, आज भी भरा पड़ा है, लेकिन उसे धीरे धीरे खराब होता। अभी पहली बार अपने छत पे पहुंच चुका हूं, तो आप सभी को दिखाते हैं कि छत पर से क्या लोकेशन दिख रहा है। और अभी 7 फीट पे ही है फिलहाल। अभी मिस्त्री जी है, प्लानिंग कर रहे हैं इसको दुछत्ती ढालने का। आपके यहाँ क्या कहा जाता है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दुछत्ती कहा जाता है। और यहाँ से दिखे किस तरीके का सीन दिख रहा है, वहाँ कन्हैया जी का घर है और सभी बैठे हैं। इधर सारी दीवार फाइनल हो चुकी है 7 फीट तक, बस ये वाला बीम ढालना बाकी है सभी पे। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। और काम लगभग 4 दिन से चल रहा है, आज 5वां दिन है मिस्त्री।
आज पांचवा दिन है, तो देखते हैं कब तक हो पाता है। बहुत सारे क्रिएटर जो हैं साथ के मित्र हैं, यूट्यूबर हैं, सभी हेल्प किए हैं तभी ये हो पा रहा है संभव, क्योंकि इसमें हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम शुरू करा पाएँ, लेकिन हम सोच रहे थे जनवरी तक हम छत लगा लें। तो जो भी यूट्यूबर हमें हेल्प किए हैं, हमारे भाई मित्र प्यारे, सबको दिल से धन्यवाद। तो बहुत ही जल्द पैसा भी लौटा देंगे। अभी देख कितना अच्छा सीन लग रहा है। तो ये है पूजा घर, इसके अंदर वो है अलमारी, दोनों साइड का, इस साइड का अलमारी, उस साइड का अलमारी, और ये है दुकान, और ये भी है दुकान, मतलब इस साइड से आप दुकान का शोरूम रख सकते हैं। और वो है ये है सीढ़ी, वो है किचन, ये है सीढ़ी, वो है किचन, और वो सब बाथरूम वगैरह है, और यहाँ एक रूम है। छत पर से दिखाने का मज़ा ही अलग है। तो ऐसे ही बने रहिए फिलहाल, नीचे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ शबनम रोटी गर्म कर रहे हैं, शबनम शाम को नहीं है, रोटी शाम को, रोटी शाम को, हाँ सॉरी, वैसे भी शबनम शाम ही है। शबनम क्या कभी उजाला होता ही नहीं, शबनम के दिल में उजाला होता ही नहीं है, कौन करेगा उजाला इनके दिल में, ये अंधेरी रात बनी है। शबनम माने का लो इसे, शबनम माने का लो, शबनम माने कान का बतैले रहा लोगन, अरे हम बतैले उड़ा गए कान का होता है। दोस्तों क्या होता है शबनम का मतलब, आप सब बताइएगा कमेंट में जरूर, अगर जानते होंगे तो। फिलहाल अभी गूगल पे तो मिल ही जाएगा, याद था शबनम माने रात होता है, फूल होता है सर, क्या पता नहीं। तो अभी गाइस पहुंच चुके हैं नया लोकेशन पे, और जो कि नया बैकग्राउंड आप सब देख रहे हैं, अभी खेत खलिहान के बीच छोटा सा घर, और यहाँ आ चुके हैं पटरक लेने बुकिंग पे। तो अभी यहाँ से 50 पटरा और लेंगे, जो कि 50 पटरा है तो नहीं, फिलहाल देखते हैं कितना है, जो भी है यूज करेंगे, एडजस्ट करेंगे कैसे भी। और यहाँ दोस्तों काफ़ी सारा लौकी का लौकी फरा हुआ है, देख कर तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो अभी काफ़ी सारा पटरा आया भी है, लगभग 100-150 पटरा आया भी है, लेकिन जो ढलैया वाला काम है तो कुछ पटरा उसी में फंसा रह जाता है कुछ दिन ले, तो इसकी वजह से पटरा हमें और चाहिए, तो पटरा हम लोग और लेने आए हैं। यहाँ एक बेडशीट के लिए इतना सब झगड़ा कर रहे हैं, क्या ही बताया जाए। भाई साहब का कहना है 500 रुपया ये कह रहे हैं 400 रुपया, अब परेशान कर दिए सब सभी को। तो गाइस अभी हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग चलते हैं मछली पकड़ने। तो फिलहाल कोई तालाब नहीं है इधर नजदीक में, और है तो बहुत भरा है, इसकी वजह से थोड़ा सा खेत है, खेत में थोड़ा सा पानी है, शायद यहाँ मछली है, तो यही हम लोग ढूंढने आए। कन्हैया भाई उधर ढूंढ रहे हैं, और राज भाई इधर देखते हैं मछली पकड़ते हैं गिरेया। फिलहाल पहले कन्हैया भाई के यहाँ चलते हैं, लगता है उनको मिल रहा है, क्योंकि वो मछली पकड़ने में बहुत फास्ट हैं, हमको तो पकड़ने आता नहीं, बस हम ताक सकते हैं, देख सकते हैं, बिटोर के रख सकते हैं। ओह मिल गया लगता है, दिखाइए दिखाइए हाथ में, ये देखिए हाथ में गिरई मिल गई चुकी है दोस्तों, फ्री में समझ लीजिए मछली मिलती है इसकी वजह से। और ये सब जैसे कि ये देसी मछली होती है घरेलू। तो फ्रेंड लोग मछली मिल गई ज्यादा, ठीक इसी में भरा पड़ा है, ले चलते हैं घर। अपने लाइका के पाउडर लावा पहले, ठीक बा, उसके बाद उठाए ना लाए जीव चौरा पे। छत का ढलैया शुरू हो चुका है, और अभी थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, छत नहीं है, दो छत्ती है इसको कहते हैं। कुछ सरिया पुराना बचा था तो उसी में एडजस्ट कर किया जा रहा है, देखते हैं इसको ढलने के बाद फिर खुलने के बाद कैसा लगेगा। फिलहाल अभी लंच का टाइम है, पार्टी हो रही है। देखिए शबनम मछली देख के कैसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पर खाने खा नहीं पाए।
तो आखिर हम घूर था कहाँ मोबाइल लिया चल ले चुप हे भैया यही आई आई और देख का तेरे आज भी तो देखिए शबनम बहुत गुस्सा है और पूरा कुर्सी उठा ली है हमको मारने के लिए करी देखिए इसमें से शबनम दिख रही हैं उनका आंख भी दिख रहा है फाफड़माए तो देखिए शबनम मारने जा रहे हैं माँ ओए माँ पहले अश्विन इधर जाए को तो गाइस अभी देख सकते हो चुका है शाम और शाम के समय में आप सभी को बता दूं आज कितना कितना काम हुआ है क्या क्या काम हुआ है। आज बहुत खुशी मिल रहा है कि लगभग यहाँ भीम ढला गया। भीम ढलाने के बाद दीवार चलना बाकी है तो अगर सभी ये भीम ढला जाएगा तभी अच्छा लगेगा और तभी थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो अब काम शुरू हुआ। क्योंकि अभी वो दुछत्ती ढलाया है और इस किचन में भी सोच रहे हैं दुछत्ती ढला दे आगे ढलाएं आगे तो ढला सकते हैं लेकिन उधर सोच रहे हैं उस साइड ढालें कि न ढालें उस साइड ढालें कि न ढालें क्योंकि एंट्री करते सामने दिखेगा तो सब कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगेगा तो सोच रहे फिलहाल तब उधर रहने देते हैं लेकिन इधर जरूर ढला देते हैं दुछत्ती फिर फिलहाल कल डिसाइड करेंगे जिस दिन ऊपर चढ़ के ढालेगा चढ़ के वो भरे करते हैं तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी छत लग गया चलो दिखाओ आइए दोस्तों दिखाते हैं मेरा छत लग गया छोटा वाला इसमें खाना ना बनाएंगे देखिए ये मेरा छत लग गया। देखिए दोस्तों ये छत लग गया और बहुत ही खुशी मिल रहा है कि एक छत फाइनल हुआ एक छत फाइनल थी कितनी से छत लगने में दिन लगा देना पूरी छत लगी कि नहीं लगा तो एक महीने ना रहे हैं छत तो देखिए दोस्तों छत लग गया दोस्तों आज हम लोग का छत लग गया आज हम लोग का छत लग गया कोई खुशखबरी नहीं दिएगा क्या सब कबाड़ डब्बी डब्बा स्टैंड दूध वो स्टैंड पे कले तो देखिए दोस्तों छत में जाते समय ये तो छत लग गए ए सनवा आई देख तो छत लग गई शबनम जल्दी आओ तुम्हारा छत लग गया तुम्हारे घर का छत लग गया शबनम जल्दी आओ ए माई जल्दी आओ सब शबनम देखो तुम्हारे घर का छत लग गया कहाँ गई तो देखिए दोस्तों शबनम का घर और इसी में उसके बच्चे पति सब रहेंगे नहीं सब क्यों रहे वही में वही दरवाजा जैसे अलमारी में बंद कर ऐसे बंद कर रखेगा तू के ना बहुत ही फील हो रहा है उस टंडवा ने पकड़ा उन्हें पकड़ा उन्हें पकड़ा इतार रूम है ना हाँ इतार रूम है हाँ तू वहीं बैठी है पूजा पाठ हुई तुम्हारा नाम लिखा गया है नहीं तुम्हारा पूजा हुई तो बैठ जाइए पूजा करे भाई हो हाँ बैठी है तू अलती पलती मार के मने अलती पलती मार के अगरबत्ती दिखाई हे समन माँ है न माँ चलो चलो पूजा करके दिखाओ पहले इधर अगरबत्ती उठाओ तो सिया भी अगरबत्ती उठा लिए ओम शबनमाय नमः आशीर्वाद देव हम लोग बड़ा का आदमी बन जाओ जल्दी से 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो जाओ ए धूप चढ़ाओ ए सिया धूप चढ़ाओ हल्दी चढ़ाइए हल्दी नीचे से उठाइए हल्दी लगाइए भगवान को और अच्छा चढ़ाइए अच्छा ईटा चढ़ाइए कैसे सारे भाग रहे हैं ना ऊपर से दिखाई ढालेगी ऊपर ढलाई फिर सावर न लग पाई अच्छा पूरा बड़ा रहे सावर ऊपर से ऐसे ना लग पाए ना अच्छा ना तब ऊपर से ये ढाल दो हाय बाथरूम में हाय बाथरूम में मतलब हाइलाइटिंग है ये बाथरूम में हाँ यही से खुला रही जाते हैं नलका काट सकते हैं यहाँ वॉशिंग मशीन रख सकते हैं यहाँ वॉशिंग मशीन तो देखिए दोस्तों जीभ लटकाओ तेज तो छत लग गया है बहुत खुशी मिल रहा है तो छत लगा दोस्तों छत नहीं लगा बस ये छोटा सा छत लगा ये है मंदिर मतलब मंदिर का छज्जा लग गया है मंदिर का लग गया मंदिर हमारा लगवा दे तब ना
सबसे पहले छत मंदिर का लगा, ये मंदिर है मन पूजन घर, तो इसका सबसे पहले लगा है। हाँ ऊपर लग गया, तो चलिए दोस्तों आज हमें तो बहुत खुशी मिला, आप सभी को मिला कि नहीं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।